एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक श्री कस्तूरीलाल अरोड़ा पिछले दिने अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्रीमती आशा राणी, अश्विनी कुमार अरोड़ा, कमल कृष्ण अरोड़ा, मानसी अरोड़ा, टीना अरोड़ा, अभी करण अरोड़ा, ईश्वरिया अरोड़ा, जिया अरोड़ा, सुशील कुमार अरोड़ा, किरण अरोड़ा, अक्षित अरोड़ा, रशिका अरोड़ा अते उना दे समूह परिवार वल्लों महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दियां सच्चाइयां बारे जानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलन दी सिख्या दित्ती। श्री कस्तूरीलाल अरोड़ा जी करम धर्म अते विश्वास दे धनी इंसान सन। आप जी दा जन्म पाकिस्तान विखे होया। आप जी ने अपनी जिंदगी विच अणथक मेहनत कीती अते उच्च विद्या हासिल कीती अते पंजाब नेशनल बैंक विच नौकरी दी शुरुआत कीती। इत्थे आप जी ने अपनी नौकरी नूं बहुत ही मेहनत, लगन अते ईमानदारी नाल कीता अते उच्च पद हासिल कीता। श्री कस्तूरीलाल अरोड़ा जी हुणा दा व्याह श्रीमती आशा राणी जी हुणा नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर दो पुत्रां अश्विनी अरोड़ा अते कमल अरोड़ा अते बेटी किरण अरोड़ा ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। आप जी ने अपने ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। श्री कस्तूरीलाल अरोड़ा न केवल सफल बैंकर सन बल्कि एक सफल कारोबारी भी सन। आप जी गरीबां ते दीन दुखियां दी मदद हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंचण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। श्री कस्तूरीलाल हुणा दी फुलवाड़ी इस समय उन्हां दे पोतरे पोतरियां दोते दोतियां नाल महक रही है, जो सब आप जी दे नक्शे कदमां ते चलदियां आप जी दे नाम नूं चार चन लगा रहे हन। आनिता कुटने जदों तेरी ता संगी माते नाले तो फेरे लेने कोड़ी चढ़े छे ओए टंगी होने ते आकड़े तुरने फिर जरा तो खंगी इतिम बैठ सदा किस रे ना नहीं हो ए नाने कदी मुकना नहीं हो ओए तंदे करना जेड़े ए भी मिल जाए ओ भी मिल जाए करना नित्य बखेरे मौत कैया कारे खाली किते ते सुने किते ओए वेड़े बंदगी कर ले उस मालक दी अमली होने नवेड़े इतिम बैठ सदा किस रे ना नहीं हो आरे उठे कमलिया सिमरने
कारे ले वेला हथ नहीं आना मेरी मेरी कर दिया ही तो एक दिन खुदे मारे जाना ना कुछ लेके आया से तो ना कुछ लेके तो जाना ओए रोंदिया रोंदिया आया सी तो रोंदिया ही मार जाना कवि ने शब्द की व्याख्या बड़ी सुंदर कीती है। बालक जिस वक्त संसार दे विच जन्म लैंदा ना उंदियां अखां विच आंसू है, जिस वक्त संसार नूं छड के जांदा है फिर भी उंदियां अखां विच आंसू है पर वो आंसू सानू दिखाई नहीं देंदे। अरोड़ वंश बरादरी अरोड़ा परिवार लाला फकीर चंद जी परिवार के सरप्रस्त बुजुर्ग बैठे है। अरोड़ा साहब एक जिंदगी की गल का याद रखना, भजन बोलना को औखा काम नहीं गा, आ ढोलकियां बाजे बजा लो एक कोई ये मामूली गल है, तुसी भजन आप भी बोल लोगे। गर पुराण पढ़ना कोई औखा नहीं गा, ब्राह्मणा नालों पंजवी का बच्चा जड़ा अच्छे ढंग नाले पढ़ ले। पर सुभाष जी गरड़ पुराण की अहमियत की है, क्यों पढ़नी है, किस तरह बालक का है दुख सुख किद्दां ग्रस्त जीवन किस तरह गया किथे गया किद्दां आया सारी कथा का वेरवा जड़ा है मैं चंद शब्दों के विच दस दियांगा। गरड़ पुराण दे विच एक शब्द आता है गर्व रोगे पुराण ते शमशान, जेड़ा चार चीजां दी अहमियत नूं समझ लेगा ना उनका लोक भी सुधर गया ते उनका परलोक भी सुधर गया। इक्की मां नरक गर्भ, मां की उस काल कोठरी में बालक जिस वक्त एक श्वास ले रहा है ना परम पिता परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख इष्ट देवता नूं याद करता है, कहिंदा प्रभु जिन्ना वास्ते चंगे माड़े कर्म को कर्म किए दुख मैं कल ही पाना से, आज मेरा को सहारा नहीं मेरा को साथी नहीं, ये तुहानू ही पता है मुट्ठी बांध तुम जग में आए हाथ सारे जाओगे ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाओगे, ये तन है कागज की पुड़िया अरे बूंद पड़त गाले जाबोगे, कहत कंबीर सुनोरे साखो अंत काले पछतावोगे सिमरन बिन गोते खावोगे।
गुरु महाराज ने की किया सिमरन। देखो गल्ला दो है, एक है चिंता एक है सुचिंतन। चलो अज इस गल का वेरवा कर लीए, चिंता ते सुचिंतन विच अंतर की है। अरोड़ा साहब रोज असी गुरबाणी विच शब्द पढ़ने ना कि चिंता तां की कीजिए, कारी चिंता जी जेड़ा बनिया उन्नी टुटना, जेड़ा जमया है उसने मरना है, सारी दुनिया नू पता है। अरोड़ा साहब इत्थे गलत कहने, जन्म दे नाल मौत नहीं, मौत दे नाल जन्म दस्या गया। सुभाष जी की पता मां दी गर्भ च मर जाना, संसार में जन्म होना है या नहीं होना किनू पता है, किसन को पता नहीं। गुरबाणी में शब्द भी लिखे है, कई बार मिंटा जी विजय जी दुकान पर बैठी दे नारंग साहब की कोई गल भी होंगी है, शब्द अध्यानता भी किया है कि मरण लखावे मंडल में आवे। वो पहले बंदिया मरना तो सीख लै, आज मरना तेन भूलिया अपने आप को, तू जींदिया भी समझना, तेरा जीना जेड़ा निष्ठ फल है जब तक तू समरण परमात्मा दा नहीं करेगा। बालक जन्म लेंदे, चलो ये दसो तुसी मेरे बुजुर्ग बैठे हो सियाने हो, डॉक्टर साइंस भी कहती है बालक रोंदा क्यों है, हर चीज का कारण है ना। अरोड़ा साहब बालक ना रोवे, डॉक्टर की कहता है बीमार भी तेरा बच्चा रोंदा किस वास्ते है, वह कहता हे प्रभु हे परमात्मा हे वाहिगुरु अकाल पुरख है, जिस मोह माया दे जंजाल नू मैं छड़ के गया सी, मैनू लिया के फिर इत्थे फसा दिता है, माया मरी ना मन मरे। तुसी दसो माया ने मरना है, तंदे दी तृष्णा नहीं मरती, धरती तो आकाश इन्नी दौलत, एक जिंदगी की होर गल याद रखना, दौलत से कभी शोहरत नहीं मिलती, शोहरत से अरबों का मालिक बन जाता है। आकाश तक चला जा, एक दिन ऐसा आएगा तो धरती विच पंचम भूतालियम पांच तत्व का शरीर एक दिन पंजा दे विच ही लीन हो जाएगा। ये गल तो मनते हो ना, भगवान कृष्ण ने की किया। और एक गल होर जिंदगी दी याद रखना, प्राणी जिस वक्त घर दे विच लेटिया ना, ये दसो विनोद जी नारंग साहब उनका शरीर खाली क्यों है, खाली किस वास्ते होंदा है, जड़ चेतन, जड़ मैंने शरीर चेतन मैंने आत्मा, जिस वक्त आत्मा चली गई वह खाली पिंजर ही पिया है ना, वो तुहाडे किसे कम नहीं आना। बालक के स्वास्थ्य रोंदा है प्रभु मैं मोह माया दे जंजाल विच आन के फिर फस गया। नंबर दो, एक गल्लां विच ज्ञान बहुत है। नंबर दो, दुखी इंसान जिस वक्त लाला फकीर चंद जी असी दुखी बंदे को जाने हैं वो की कहता है, कहता हे प्रभु जी मैं ठीक हो जावांगा ना तेरे चरणों का सिमरन करांगा। परमात्मा सुनता है, गरड़ पुराण के तीसरे अध्याय में एक शब्द लिखा है, भगवान कहते हैं साड़ी अदालत दे विच चाहे कोई सबल है निर्मल है दुखी है मूर्ख है पंडित है गुरु है विद्वान है धनवान है, उत्थे तोल के गल होनी है। कृष्ण भगवान ने किया यदा यदा ही धर्मस्य
अर्जुन धर्म का काम करेगा मेरा तू प्यारा है, जे अधर्म का काम करेगा ना मैनू कोई मित्र प्यारा नहीं लगता। जिस वक्त ठीक हो जाता है बाद में की कहता है रब कित्थे आ, मैं जानता ही नहीं रब नू। चलो अज इस चीज़ का अंदाजा लगाइए आप, विजय जी रब मंदिर च बैठा, गिरजाघर मसीतां च बैठा, गुरुआ पीर फकीर संतां ऋषियां मुनिया महात्मा पंडतां ज्योतिषियों को बैठा, रब ऐ बैठा, ऐ रब बैठा। जिस वक्त चौकड़ी लगा के अपनी अंतरिक आत्मा नूं हिरदे विच उठा के तुसीं दसवें द्वार ते लैके जांदे हो रब प्रगट हो जांदा। दसवां द्वार केड़ा है? मस्तक, लिव लगन श्रुति समृति, तेरी लिव जिस वक्त परमात्मा विच लग जाएगी, परमात्मा तेरा ते तू उस गुरु महाराज का हो जाएगा। पर दसो सुभाष जी लिव लगती है? नाल दूजा पक्ष भी लवो ना, अंदर नौ शैतान भी बैठे है, काम क्रोध मोह लोभ हंकार विश्व विकार ईर्षा द्वेष, इन दे विच एक शत्रु नू जित लै भगवान कहिंदे तू मेरा हो जाएगा। लारे दसो कीर्तन जी, बंदे को एक शत्रु नहीं जित हुंदा, केड़ा? क्रोध। जिस बंदे ने क्रोध नू जित लिया समझ लो कि उन्हें परमात्मा नू प्राप्त कर लिया। शास्त्र भी कहिंदा है क्रोध का नाश है और बुद्धि का विकास होता है। नंबर तीन, शमशान। जिस वक्त अरोड़ा साहब असी एक डेड बॉडी लैके शमशान दे विच जाने हैं, अपने दिल ते हाथ रख के दसो ज्ञान किन्ना होंदा है। ऐ बंदे दी जिंदगी है, सारी उम्र मेहनत करते रह कमाते रह, मिनटा च इत्थे आ जाना है। इनू कहिंदे सोत। गरुड़ पुराण के सोलहवें अध्याय में एक मिंटे शाह जी शब्द आंदा है, अंधे को दिखाओ दर्पण, उसे क्या मालूम दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। सोए हुए को जगाओगे वह जाग जाएगा, जो अन सोया है उसे जगाने की कोशिश करोगे वह कभी नहीं जागेगा। उन्हें पता कि मैं तो मचला बनिया, पहले ही जागता पिया। सूरज उदय होता है अंधेरा दूर हो जाता है। अरोड़ा साहब तुसी जोत जगाइए, जोत लाइट दे रही है, प्रकाश दे रही है, जोत दे थल्ले की है अंधेरा। ब्राह्मण सन्यासी उदासी स्टेजा दे बह के बड़े बड़े ज्ञान देंदे आ, कदी अपने अंदर भी छाती मारी है? भला बुरे को देखन चला, बुरा न दिखा कोई, अपने में से देखे तो भाई हम सा बुरा न कोई। मारे कहिंदे तू रब दी पुलिस है, तू लोकां दे रस्ते दे रोड़े कट्ठे करन दा ठेका लिया, जो करेगा सो भरे। शब्द भी आंदा ना, तू अपनी निभा तैनू होर नाल की, गठड़ी संभाल तैनू चोर नाल की, आप बन जा चंगा ते तैनू होर नाल की। अपना सिमरन कर। जिस वक्त शमशान दे विच ज्ञान, पर शमशान दे विचों जिस वक्त बाहर आने हैं फिर की कहने हैं? पहली गल तो यह दसो, अज लाला फकीर चंद जी असी पांच मिनट में संस्कार कर दें, कि शास्त्र में लिखिया 45 मिनट लगते संस्कार ते, टाइम ही है नहीं साढ़े को। जब तक सिर का पटाका ना बोल जाए संस्कार पूरा मनिया नहीं जाता। असोटी लावे ही, करन वाले भी हो जाए तो कराने वाले भी हो जाए। त्रिपाठी पंडित जी ने कहता ब्रह्माक विष्णुवाक अत्र आया तत्र गया, वे जिधरों आया बंदा उधर चला गया। नहीं,
सोच नूं उच्चा लैके चलो। जिस वक्त बाहर आने हैं फिर की कहने हैं, वो सारी दुनिया के नाल है, जो होगा देखा जाएगा। महाराज कहते हैं तेनू पहला नहीं पता, हुण तू कहना जो होगा देखा जाएगा। नंबर चार, पहली गल ये दसो, पुराण गुरबाणी में शब्द आता है कि संग सखा सब तज गए हो, कहो ना निभ्यो साथ, कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। जिस वक्त मुसीबत आ गई, चल भी प्रभु की शरण चला जा, खुशी में रब याद नहीं कर। आज पहली गल ये दसो विनोद जी, इतने असी करन की आए हैं? आन के पैसे चढ़ाते, फुल चढ़ाते, हाथ जोड़ ली, रोटी सुट ली अंदर, इनू श्रद्धांजलि कहने हैं। गल्लां बड़ी गूढ़ ज्ञान वाली है। श्रद्धांजलि का मतलब है कि श्रद्धा, किसी भी शोक सभा विच जाके कभी पहली गल तां गल्लां नहीं करनी चाहीदियां, क्योंकि प्राणी देख रहा तुहानू, कौन आया, कौन बैठा, कौन सत्संग कर रहा है, और प्रभु का सिमरन है कौन कर रहा है। गुरु कृपा। लेकिन जिस वक्त महाराज कहते हैं, अगर उत्थे चले जाने हैं, पंडा जी गुरु विद्वान शास्त्री की प्रवचन कर रहे हैं, उन्होंने सुनो। अगर नहीं सुनते, पता नहीं पल्ले कुछ नहीं पिया, पंजाबी के शब्द है। महाराज कहते हैं जे सुनेगा तो पल्ले पैगा। बुली शाह ने एक शब्द लिखी है, जे रब मिलदा नहातियां धोतियां ते मिलदा डडुआ मच्छियां, जे रब मिलदा जंगलां दे विचे ते मिलदा गौवां वच्छियां, जे रब मिलदा मड़ी मसानी, बाबा बड़ा सियाना है, तांत्रिक पंडित बड़ा सियाना भाई। लो जे इन्ने सियाने हुण अपना कुछ नहीं कर सकते। बुले शाह ने शब्द लिखे है, रब उसनू मिलदा जिन्हां दियां नीतां सच्चियां, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जां के हिरदे सांच है तां के हिरदे आप। जिस बंदे की सोच उच्ची हो गई, समझ लो कि परमात्मा नू प्राप्त कर लेंदे। आज अरोड़ा परिवार घर दी मालकन बैठी है, मां कल तक आशा रानी आज बन गई आशा देवी, इंदा भी प्रमाण है। शादी ना होवे, बच्ची जेड़ी है उन्दे मगर लिखिया जांदा है कुमारी, शादी हो जावे ते बन जांदी रानी, सिर दे उत्तों पति दा साया चला जावे ते वो बन जांदी है देवी। अज मां आशा दी किरण, आशा दा मतलब जानदे हो ना, आशा नूं पूरा करना, अज उस आशा की किरण ने अरोड़ा परिवार दे विच ऐसा परमात्मा की अपरम अपार किरपा का संसार नियुक्त कर दिता, जिंदी अहमता भी दसी नहीं जा सकती। परिवार दे लव कुश्ती जोड़ी अश्विनी कुमार जी, कमल कृष्ण जी, एक गल में देखी है, विनोद जी घर के भाग ड्यूटी तो पता लग जाते कि बंदा किदा दा है। बेटा कथा करन गया, दसिया बाद विच नारंग परिवार, सुभाष जी या कल हाले सुभाष जी, माता जी सब
नानका दादका परिवार लालव कीर्तन जी बैठे है। लव कुश की जोड़ी ने अपने परिवार का नाम रोशन किया। बहुआ मानसी, टीना, किरण बेटी, सुनील दमाद, पोते पोतियां, खिड़िया बाग परिवार है। जिस वक्त महान के पूछया क्या के बेटा पिता जी होया की है, क्या पंडित जी साढ़े पिता लाला कस्तूरी लाल जी कस्तूरी की खुशबू जानते हो? कोई कुछ जान सकता है। अगे नाम रखते सी देवी देवत्या के नाँ पर। अजामिल पापी ने बेटे का नाम महापुरशा के कहते नारायण रखिया सी, अंत समय उन्हों स्वर्ग की प्राप्ति हो गई सी। एक कस्तूरी की खुशबू सारे परिवार दे विच, सारी इंडस्ट्री दे विच, सारे शहर दे विच फैला के मिनटा विच। मैं पूछा होया कि पंडित जी अटैक हो गया, लाला फकीर चंद जी कह रहे थे पंडित देखो फोटो कितनी प्यारी है, हंसते पे है। मैं कहा जो इस वास्ते हंस रहे आ कि उन्हां दा परिवार जिहड़ा है। देखो विनोद जी अज मेरी गल याद रखना, जिस ते माँ बाप है उनका परिवार संपूर्ण जे, जिंदे माँ बाप नहीं वो सवेरे उठ के तस्वीर नू मत्था टेक देंदा है, उनका परिवार महासंपूर्ण हो जाता है। बाहर लंगर लगा दे, दान कर दे, पुन कर दे, मैं नहीं मनता इन्हां चीज़ां नू। जिस इंसान ने अपने माँ बाप की सेवा की है, कर्म करवाया है, तुसी अरबां रुपया दे दान दे दियो, वो तुहाडा फलादेश होएगा। जे सेवा नहीं की बार दान देंदा लव जींदिया दा कोई ना मोया दे सबे, कोई किसी का नहीं कर। पुछया होया कि ये पंडित जी अटैक हो गया, लो अज अटैक की भी गल कर लीए। सुभाष जी अटैक की है, अगे होंदा सी हार्ट फेल, हुण कहिंदे अटैक, हुण कहिंदे साइलेंस अटैक। तरक्की कर रही ना साइंस। गुरु नानक देव जी महाराज ने मरदाने नूं पुछया सी मौत किन्नी दूर है, कहिंदा उठ के बाहर जावांगे मर जावांगे। बाले कोल पुछया कहिंदे हुणे मर जावांगे, कहिंदे कुछ नहीं पाया तुसी, क्या एक गुरु कोलों नाम लै लिया है? नाम लैके उनका सिमरन किया जे, क्या गुरु गुरु कहन नाल तुसी शिष हो गए, असी गुरु हो गए? अज एक मैं होर गल दसना, सारे गुरु घर नूं मनन वाले बैठे आ, गुरु शब्द की है, चार वेद शेष शास्त्र 18 पुराण होए आ, गुरु को शब्द ही नहीं गया। शब्द है गोर गो मैंने अंधेरा, अरे रू मैंने प्रकाश है, जेड़ा अंतकार दे विचू कढ़ के दर्श मार्ग दिखा दवे, असी उन्हों गुरु महाराज का दर्जा प्रदान करवाने। अरोड़ा साहब उत्थे एक शब्द आया सी अश्नि जी, मरदाना कहिंदा है एक ज्ञान का शब्द ही याद रखना। मरदाना कहिंदा गुरु महाराज जी एक गल दसो, सूरज अगे दीपक दी की वैल्यू है? पिता दे अगे पुत्र दी की वैल्यू है? देखो आज सारी दुनिया राम 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 करती है, लाला जी कहंदे राम नू ज्यादा मनते सी। राजा दशरथ को नहीं याद करता? इन में चार पैसे पुत्र कमा लवे, तरक्की कर ले, माँ प्यो भूल गया? रामायण में शब्द की आंदा है रामे रामे हर कोई कहे, दशरथ कहे ना को,
एक बारी दशरथ कहे सहस्त्र यज्ञ पुण्य हो। महाराज की कहते हैं, कहते करोड़ा वारी राम का नाम ले लो, एक बारी राजा दशरथ का नाम ले लो तो उन्ना पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्या गुरु महाराज जी तुहाडा साडा की मुकाबला है? सानू तुसी दसो मौत किन्नी दूर है। उत्थे कमल जी एक शब्द आंदा है, गुरु महाराज ने एक शब्द किया सी, मर्दानिया मौत इन्नी के दूर है, सा आया आया ना आया ना आया। पप्पू जी ने कई बार गल होंदी है सा, चल कहानी खत्म। आज दोनों बच्चे बैठे है, लव कुश्ती जोड़ी बैठी है, ठीक है विदेशों का काम है, दल शौर सब कुछ कमाया है, क्या एक कस्तूरी लाल जी बन सकते हैं? कदी नहीं बन सकते। तरक्की जिनी मर्जी कर लैन है, प्यो का स्थान अज तक ना किसी ने लिया है ते ना कोई ले सकता है। बंटी जी बैठे है, क्योंकि मेरा प्यार बहुत है मिंटे नाल, विजय नाल, विनोद नाल, मैं जद भी जाना है दुकान ते बैठ के जाना है, यही गल होंदी है। मैं क्या लाला किशन चंद जी यह तस्वीर लगी है, लाला अमरनाथ जी इत्थे लाओ, जो बच्चों को किया बच्चों ने किया, आज देखो परमात्मा की कृपा की। आज कहने हैं पिता जी चले गए, आज मैं कमल जी एक गल दसो तो हाड़े पिता जी गए कितने हैं? गल्ला मेरी कोरिया है, उनके च रहस बहुत है, वो तो घर में सुते भी, असी कहने उठो, उठन वाली चीज कितने गई? गुरबाणी में एक शब्द आंदा है, इक्का माई जुगत बिहाई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लावे दीपान। अश्विनी जी जेड़ा शब्द पढ़ने है ना, उस शब्द की गहराई तक जाओ। इक्का माई कौन है? अलौकिक शक्ति, कुछ अंश बालक के रूप में जन्म, हाँ एक शास्त्र में गल लिखी है संतान ना होवे एक दुख है, चलो हो ही नहीं गई, होके मर जावे बंदा दुख भूल जाता है। बारी जवानी वेच बंदा चला जावे कि कहने काल ने माड़ा कर दिता है, तमाशा कर दिता है। गरड़ प्राण के 16वें अध्याय में पप्पू जी एक शब्द आंदा है, काल में ताकत किन्नी है, काल पृथ्वी को फूंक सकता है, सुमेरु पर्वत को बिखार सकता है, अरे समुंदर को सुखा सकता है, तो फिर इंसान का कहना ही क्या है? इंसान का इक्को कहना है, मैं मेरी मेरी ना कर बंदे, ना तेरी ना मेरी वे, अरे एक दिन ऐसा आवेगा तो होगा खाक की ढेरी वे। है तो मिट्टी ना, मिट्टी में ही विलीन होना। गुरबाणी में भी शब्द लिखे है, काल पाए ब्रह्मा वप धरा, काल पाए शिवजी अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जिंदगी दे विच कदी किसे दा तमाशा ना देखो। आज आगे लाला फकीर चंद जी साडे खारे, कल ओंदे खारे, आज ओंदे खारे कल साडे खारे। काल ने किनू बख्शना है? काल ने रब याद कराता है ना, हाल तो 3 ग्राम करोना आया, प्यो पुत्र दी अर्थी नू ते पुत्र प्यो दी अर्थी नू हाथ नहीं लगांदे पे। हा हा देखो जान प्यारी है ना, बंदा दा ने प्यारा,
रब ने परमात्मा ने वाहेगुरु अकाल पुरख ने किया मेरा सिमरन कर अंतमति सोगति अंत समय मेरी शरण दे विच तैनू आना ही पैगा। लाला कस्तूरी लाल जी दे अंदरों अलौकिक शक्ति दे अंश समाज आ गया पुराने वस्त्र की शब यात्रा अश्वमेधम सहस्त्री यज्ञ पुन फल प्राप्ते सब तो वड्डा दान मैं जिस तरह पहले किया है शब यात्रा। अच्छा की कहने है राम नाम सत है वो महाराज कहते जींदियां सच भुलिया देखो जद रोज गुरबाणी विच मेरा जिन्ना भी अरोड़ वंश प्राणी है सारे गुरबाणी पढ़ते हैं रोज गुरबाणी में शब्द लिखे है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सच की है एक मौत है उस उत्ते कोई सच नहीं। किन्नी सुंदर शेजा लगाई बचियो तुसी अपने हत्था ना लटाया उत्ते पांच पिंड दिते है पिंड नहीं दवांगे प्राणी घर दे विच कदी बाहर नहीं जाएगा। यह ध्यान नाल सुनना मेरा पांच मिनट का शब्द है बेटा जो सब पिंड दिते आ तो अग्नि का दान दिता है ठीक है अज कहने 75 साल की जस 80 साल की उम्र है बंदा खरद है मां बाप जिन्हें मर्जी बुजुर्ग हो जान बेटा जिस वक्त अग्नि का दान देंद अखा झमझम आंसू बहने शुरू हो जाते हैं अपने अथरू ठक ले बंदे आ ओना फिर नहीं आना में जेड़े जग तो गए सवाली असा भी एक दिन तुर जाना। सतयुग चला गया त्रेता द्वापर चला गया कल युग नहीं कर युग है। एक गुरबाणी में शब्द आंदा है विनोद जी जो जो विषे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। असी आज जो बीज रहे हैं एक कटना ही पैना है महाराज कहते पिछे की सी इत्थे की है अगे जाके की होना किसी नु कोई पता नहीं। लख पंडित जोशी संन्यासी होवे आन वाला वक्त कोई दस नहीं सकता अगर दस सकता तो कोरोने का कोई ना कोई इलाज मिल जाता। अंधविश्वास जेड़ा बंदा इन्ना अंधविश्वासां उत्ते उठ जाएगा और गुरु घर का प्यारा हो जाएगा। चार पिंड चौथे वदन अठ बलियां लाओ जी अस्थियां उठा लिया जी आ पंडित जी आओ जी गरुड़ पुराण की कथा पढ़ो जी। पंडित जी ने गरुड़ पुराण की कथा लै नौवां भी बैठी है पुत्र भी बैठे है हाले कि मेरे बच्चे सरल भाषा च एक एक शब्द समझ आता है। मैं पूछा गल केड़ी कथा करके गई है तो हमें कोई पता नहीं लगेगा जिथे सुनी सब कुछ छड के चले गए। अगला पड़ाव दसवें दिन गंगा मैया की गोद में अस्थियां जल प्रवाह कीतियां गंगा लैके कौन आया भगीरथ किन्ना तप किया किथे माँ गंगा ब्रह्मलोक मैं इन्नी लंबाई में नहीं आता ब्रह्मलोक भगवान शंकर नमामि नमीशम निर्माण रूपम गंगा लैके आ गया अस्थियां जल प्रवाह बचियो तुसी गंगा कनखल जाके अस्थियां जल प्रवाह कीतियां की कहने हैं हे मां साडा पिता तेरा पुत्र तेरी गोद दे विच अर्पण कर दिता। दसवें दिन कुशा घाट ते दस पिंड दिने एक हद दा शरीर बनता है फिर देने 16 पिंड अश्विनी जी दिते है ना 16 पिंड क्यों देने हैं ध्यान नाल सुनो घर दे विच डेड बॉडी पई है उन्दे च आत्मा नहीं गी इदां ही जाके तुसी अपने पिता जी दा उत्थे शरीर बनाया है 16 पिंडां दे नाल ब्रह्मा विष्णु महेश भूत प्रेत पिशाच अक्षत ते साहब शरीर बन गया उस शरीर दे विच आत्मा पानी जब तक आत्मा नहीं पावांगे ना साडा प्राणी पितरियां दी पंक्ति विच जाके कदी सम्मिलित नहीं होएगा। आत्मा किदा पैंदी है उत्थे लाला फकीर चंद जी हुंदा सपिंडी करम
कि किसी किसी पंडित नूं पता है। सहपिंडी का मतलब है कि उत्थे तुसी एक पिंड बनाना है अपने पिता के नाम। तीन पिंड बनते आ, दादा पड़दादा ते बृद्ध पिता के नाँ दे। अपने पिता दे एक पिंड दे तीन भाग करके दादा पड़दादा बृद्ध पिता विच मिलाने है ना, साडा प्राणी पितरिया की पंक्ति विच जाके सम्मिलित हो जाता है। लो अज पितरिया की गल भी अबंटी शाह बैठा है, हसम जा करी दा कई बारी। ले अबंटी शाह तैनूं मैं सुनाना अज गल। एक मैं किसी सज्जन को गया, मतलब कि शहर का बहुत ही मान लो कि राजनीति बहुत हाई फाई। मैं गया, मियाँ बीबी बैठे अंदर पैरी पहने पंडित जी। मैं क्या, हाँ जी की हाल बच्चे हो, ठीक हो? मैं क्या, बड़े उदास बैठे हो। कहते सानू पितर दोष लग गया जी। मैं क्यों की होंगे पितर दोष की होंगे? घर दे वेचे प्रकाश सुभाष जी, मैं क्या तुसी गुरु ग्रंथ साहब का किया होया है, गुरु घर नू तुसी मनन वाले हो, पितर दोष की है? कहना नहीं। एक पंडित जी आए आ, सानू दस गया जी पितर दोष। मैं क्या नाल ये भी कह गए रुपया 70,000 या 80,000 दे दे। हाँ हाँ ये कह गए। मैं क्या उस पंडित नू अपना नहीं पता कि मेरे नाल की होना, ये थोठ के बाहर जाना जानी मौत वक्त का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं आख्या एक मेरी जिंदगी की गल याद रखना, कर्म करवाया ठीक है, सवेरे उठ के आ मां बाप की तस्वीर लगी है, इन्हों मत्था टेक दे। मूल मंत्र एक ओंकार सा, एक ओंकार सतनाम, यह मूल मंत्र का 11 बारी उच्चारण करो शब्द। एक संकट मोचन पढ़ो, तुहानू जिंदगी विच कदी डर ही नहीं लगेगा। डर की है? श्री गुरु नानक देव जी ते मरदाना जाते पे, एक छोटा जिहा सुंदर पत्थर मरदाने ने अपने पल्ले नाल बन लिया। एक डंडी पार करनी सी दरिया की, गुरु महाराज चले गए। मरदाना कहिंदा महाराज मैनूं डर लगता है, मैं नहीं आंदा। गुरु महाराज कहिंदे डर वाली जिहड़ी तेरे कोल चीज़ है वह तू चीज़ ही सुट दे ते तेरा डर अपने आप ही दूर हो जाएगा। जिहड़ियां पापां दियां पन्नां सी बन के नाल चलदे पे हैं वह गुरु महाराज कहिंदे सुट दिओ, मेरा सिमरन करो तुसी भव सागर तो पार हो जाओगे। लै उस तो बाद मैं इन्नी बारी आया इन्नी बारी गया। मैं आख्या जी हुण तां सपने नहीं कदी आए? कहिंदे नहीं पंडित जी। मैं आख्या जिस बंदे नूं अपने बजुर्गों के विश्वास है ना, वह कभी डावांडोल नहीं होंदे। उस तो बाद होंदी नरैनी बली। नरैनी बली कित्थे होंदी है? जिंदा डेवा बट्टी आ, जिन्हें भी अज अरोड़वंश बरादरी के सज्जन बैठे आ, बजुर्ग बैठे आ, माता जी बैठे आ, विनोद जी के कई बार गल भी करने हैं, अगे की होंदा सी? और बुढ़े ने मरना यार, जवान वाले किसे ध्यान नहीं जाता सी? गऊ का गोबर लाओ, पृथ्वी का लेप करो, प्राणी ने उपर लटाओ, बेटा सज्जा गोडा दे, गंगा जल मुक्त पचावे, गीता का 18वां अध्याय, सुखमनी साहब के शब्द है, अंत मति सो गति। अंत समय उनका ध्यान जेड़ा प्रभु चरणा वाले पासे वलीन हो जाए। आज वो गल ही नहीं गई, वेंटीलेटर से लटाया, डॉक्टर भी कहते लै जा, कहीं शायद करिश्मा, करिश्मा नहीं, मौत ने चल के तेरे कोल नहीं आना, तू खुद पहुंच जाना है जिथे मौत तेरा इंतजार कर रही है। चलो उस तो बाद नरैनी वाली गया जी विच, राजा दशरथ जी ने स्वर्ग नहीं मिलिया। राम जी ने 16 दिन एक एक दिन जाके जिस वक्त पिंड दान दिता, 16 दिन तो बाद स्वर्ग लोक दे विच राजा दशरथ जी पहुंचे। अगर गया जी ने यस कदे फलगो जब सोमावंती उमा वस्या आवे, अगर फलगो नहीं जा सकते तो पहेवा, उत्थे 16 दिन इत्थे 16 मिनट लगते आ। बस एक जिंदगी की गल याद रखना, तुसी दान दिता है, दान लैन वाले नूं पता है कि मैं दान नूं पहचाना किस तरह, जैसा अन्न वैसा माने, मांग के जिन्ना मर्जी लै लो, अंधविश्वास च पा के तुसी लवोगे वो दान कदी तुहानू सुख नहीं देगा। बाकी अज सत्संग हो जाएगा, और एक बारी घर दे विच हमन जिद्दां सख सत्संग की आवाज़
भूमंडल दे विच्चों गुरु घर विच जाएगी, परमात्मा दे कोल जाएगी। जेड़ा तुसी हमन करोगे, हमन दी खुशबू प्रभु चरणा विच पहुंच जाएगी। लाला कस्तूरी लाल जी अपनी कस्तूरी दी एक खुशबू फैला के आशा मां एक किरण जिहड़ी है तुहानू दिखा के लाला जी प्रभु चरणा विच गुरु महाराज के चरणा विच राम नाम के नाल उन्हां दा बड़ा प्यार सी, उन्हां दा सिमरन मैं बाद विच करांगा। साडे गुरु महाराज जी स्वामी शांतानंद जी कल दीआं गल्लां, स्वामी संत इशरदास जी महाराज उन्हां दे पहले गुरु 45-46-47 साल उन्हां नाल बह के बड़ा सत्संग कीता है। अगे क्रिया होंदी कित्थे सी? गोपाल चलो उत्थे मंदिर च, उस गुरुद्वारे च, हुण अलग अलग स्थान जिहड़े आ नियुक्त हो गए आ। अज उन्हां दी ड्यूटी जिहड़ी है महापुरशां दी ड्यूटी, स्वामी शांतानंद जी बड़े अच्छे ढंग नाल स्कूल चला रहे आ, धर्म स्थान चला रहे, हर जगह च परमात्मा की कृपा है। मैं पहले इन्हों कहांगा, इस परिवार को पहले आशीर्वाद दियो, अगली कार्रवाई मैं बाद दे विच करांगा। जय श्री राम। ये शरीर और आत्मा का एक संबंध बना, जब तक ये संबंध बना रहा तब तक जीवन बना रहा। आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण ने से कहा कि जिस तरह हम पुराने चोले का त्याग कर देते हैं, पुराने वस्त्र का त्याग कर देते हैं, इसी तरह से आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग कर देती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवो प्राणि तथा जीर्णानि विहाय शरीराणि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा शरीर का त्याग कर देती है। शरीर और आत्मा का एक संवाद है। शरीर ने एक बार आत्मा से एक प्रपोजल दिया, बचपन से हमारा साथ बन गया, जब से मैंने श्वास ली तब से तेरे साथ संबंध बना, और यदि तू मेरे साथ रहे तो मेरा अस्तित्व बना रहेगा। जी विषय है मानव की, जीवेम शरदः शतम्। हर मानव चाहता है मैं 100 साल तक जीऊं, पश्येम शरदः शतम्, मैं 100 साल तक देखूं, श्रृणुयाम शरदः शतम्, मैं 100 साल तक इन कानों से सुन सकूं। मानव मन की जिजीविषा की जो भावना है चिरकाल तक जीने की। तो एक बार शरीर ने एक प्रपोजल दी आत्मा से, धन कहया तू वश में नाले, प्रिय सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो के तन लेख है, वचन दे छोड़ न जासा है। तुम मेरे साथ एक कमिटमेंट दे दे कि तू मुझे छोड़ के जाएगी नहीं, और तू छोड़ के जाएगी नहीं तो मेरा अस्तित्व बना रहेगा। आत्मा कहने लगी नहीं, ये बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शरीर से आत्मा ने कहा यदि तू ये सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। फिर कहया हा हुक्मी बंदा, ये बात अलग है कि शरीर नाशमान है, आत्मा आजा राम और अविनाशी है। शरीर के नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। भगवान ने कहा न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का नाश होता है। क्यों? शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई देता है उसी का नाश होता है। दृष्टमान है सगल मिथ है ना। तो आत्मा ने शरीर से कहा फिर कहया हूं हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर तिस्कान न छंदा, जिचर रखे तिचर तुम संग रहना, मैं तेरे साथ तब तक रहूंगी जब तक उस परिपूर्ण परमात्मा का आदेश रहा, जहाँ सदे ता ओठ सिधासा है। जिस दिन उस परमात्मा ने मुझे बुला लिया मुझे जाना होगा। एक दिन व्यक्ति को संसार से जाना है, सबको जाना है, दिन निश्चित है, समय निश्चित है, बस हमें इस बात का पता नहीं
और यदि पता चल भी जाए तो हम क्या कर सकते हैं। राजा परीक्षित को इस बात का ज्ञान हो गया कि आज से सातवें दिन मेरी मृत्यु है। तो राजा परीक्षित ने यह नहीं कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए, मुनि सुखदेव जी से ये नहीं कहा जिससे मैं मौत से बच सकूं। राजा परीक्षित ने कहा अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे गुरुदेव, मैं ये पूछता हूं जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे करना क्या चाहिए। बस बस जीवन में करना क्या है, मृत्यु तो निकट है, पता नहीं कब किस समय किस दौर में कैसे आ जाएगी। आज की स्थिति हम देखते हैं कितनी भयावह स्थिति है, कितना मन में डर है, कल क्या होने वाला है, एक इस बात की चिंता हर मन में है। और हमने इस काल में तो बहुतों को जाते देखा, अपनों को जाते देखा, मन में एक भय की स्थिति है। परंतु इससे करना क्या होगा, हमें केवल उस परिपूर्ण परमात्मा का आश्रय लेना होगा, उसके नाम का जप करना होगा। शास्त्र ने एक बात कही, अरे वद हरेर नाम क्षेम धाम क्षणे क्षणे यदि श्वासो बहिर्यात को विश्वासो निवर्तने। जो श्वास बाहर आया वो भीतर जाएगा कि नहीं जाएगा, इस बात का कोई भरोसा नहीं। संसार से जाना सबको है, परंतु शारीरिक रूप से सब जाते हैं। एक व्यक्ति जीवित रहता है संसार में, सदा जीवित रहता है, वो कौन है, जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है। महाभारत में ये श्लोक आया, चलम चित्तम चलम वित्तम चले गच्छति यौवने चला चलम इदम सर्वम कीर्ति यश स जीवति। इस संसार में जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है, इसलिए संसार में ऐसे कर्म करें कि हमें यश मिले। बाबा कबीर ने ये कहा, जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए अब ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए। सो परमादरणीय श्री कस्तूरीलाल जी की स्मृति में हम सभी एकत्र हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना के लिए। ये प्रार्थना सभा है, कुछ लोग इसे शोक सभा कहते हैं, परंतु भगवत इच्छा जो है उसके लिए शोक भी क्या किया जाए। ये प्रार्थना सभा है उस दिवंगत के लिए, हे प्रभु कृपा करना, उसे अपने चरणों में स्थान देना। परिवार के लिए आशा रानी जी, उनकी धर्मपत्नी, जीवन में जिन्होंने उनका साथ निभाया। बहुत दुख का समय होता है जीवन साथी के चले जाने पर, भगवान कृपा करें आशा रानी जी को, उनके पुत्र बहु अश्विनी अरोड़ा, मानसी अरोड़ा, कमल कृष्ण अरोड़ा, तीना अरोड़ा और उनकी पुत्री एवं दामाद किरण अरोड़ा, सुशील अरोड़ा और सब छोटे पोते पोतियाँ, दोते दोतियाँ, भगवान कृपा करें इसी तरह परिवार हंसता खेलता रहे, परिवार में सुख शांति आनंद समृद्धि मंगल गुरु कृपा से सदा बना रहे। और दिवंगत के लिए मेरी प्रार्थना, प्रभु कृपा करें। मंडी फैंटनगंज के नाल इन्हों का बहुत ही पुराना नाता रहा, क्योंकि लाला जी के बड़े भाई साहब लाला करैती लाल जी और दर्शन लाल जी मंडी के बिच साबन का कारोबार करते थे, और इन्होंने रोज शाम को असीं देखते थे 5 बजे अपनी बैंक तो छुट्टी करके स्कूटर से मंडी आना और घंटा घंटा दो घंटे अपने भाई साहब लाला करैती लाल जी को बैठ के जाना। एक सभ्य समाज के बीच कितना रही
उसकी एक मिसाल लाला कस्तूरी लाल जी ने साबित की अपने भरावां नाल पूरा प्रेम और समाज के विच हर बंदे नाल जिधर चित्र दे विच हस रहे हैं इतने ही हस के मिलना प्रेम ही बनिया और प्रेम ही पाया परिवार दे विच पत्नी आशा रानी बेटे अश्विनी अरोड़ा मानसी अरोड़ा कमल किशन अरोड़ा टीना अरोड़ा पुत्री सुशील अरोड़ा किरण अरोड़ा और पोते पोतियां विकरण आशा जिया बिन्नी रचिका भरिया भुरिया परिवार पिछे छड़ के गए आ और जीवन दे विच बहुत बच्चों नू संस्कार दते और एक छोटी जी इंडस्ट्री तो काम शुरू करके अज बहुत बड़ी इंडस्ट्री स्थापित हो चुकी है। उन्हां दी मेहनत और बच्चों की मेहनत के नाल बहुत ज़्यादा सफलता मिली। केसन के नाम से देशों विदेशों के इन्हों मार्का चलता है और इंडस्ट्री तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए इतने बैठे आ साडे विच राजीव मंजाल जी और भूषण आनंद जी भूषण एक्सपोर्ट तो आनंद एक्सपोर्ट तो वेद जी राजन जी किशन बेग जी और कुलदीप जैन जी भारत विकास परिषद तो जयश गुप्ता जी भंडारी साहब ने भी आना सी उन्होंने चंडीगढ़ जाना पै गया उन्होंने शोक प्रस्ताव आया ऑल इंडिया पंजाब नैशनल बैंक पेंशनर रिटायर एसोसिएशन वालों भी शोक संदेश है लखवीर सिंह जी प्रधान नॉर्दर्न इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रधान जी अरविंद राय जी वालों भी शोक प्रस्ताव आया अशोक कुमार पवन कुमार भतीजे और सारा ही परिवार बड़ा शोक है दुखी है पर रब के भाने सानू मनना ही पैना साडे विच पूर्व मंत्री पंजाब सरकार और साडे भारतीय जनता पार्टी पंजाब के पूर्व प्रधान श्री मनोरंजन कारिया जी भी आए हुए मैं उन्होंने कहांगा कि वो मंच ते आन अपने लाला जी को श्रद्धा सुमन भेंट करन और परिवार वालों आए हुए सारे सज्जनों का धन्यवाद करन। स्वामी शांतानंद जी महाराज पंडित गुलशन जी इशोक सभा च उपस्थित बुजुर्ग और भैनों भरावों जिंदगी क्या है इन इनासर का जरूर तथ्य मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान अग्नि मिट्टी जल वायु आकाश पंच तत्व तरतीब चाहते हैं इंसान जन्म लेंगे इसकी तरतीब बिगड़ती है इसे मौत है जन्म और मौत इंसान के हाथ है इंसान के हाथ है इस तरतीब के आके कहो जी काम कर जाता है कहो जी कुछ कुछ करता है अज साढ़े दरम्यान श्री कस्तूरी लाल अरोड़ा जी ने लेकिन उन्होंने कीते हुए कामों की खुशबू आ चुकी है उन्होंने अपने जीवन के प्यार नहीं पाया प्यार नहीं जिस क्षेत्र च भी गए उन्होंने अमृत छाप छाया व्यवसायिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र जेड़ा भी व्यक्ति उन्होंने संपर्क छाया उन्होंने रोके रह गया
लाख चाहा मगर उठ ना सका तेरी महफिल बार अज की हाजरी इसे गल उन्होंने अपने जीवन दे विच अपनी औलाद को अच्छा संस्कार पढ़ाया लिखाया नेक बनाया और उस संस्कार का सदका है कि अश्विनी जी कमल जी अरोड़ा परिवार का नाम संस्थान बेटी पिता श्री के दिते हुए संस्कार की खुशबू ससुराल करता है। कहते कि अच्छे माली की पहचान उसकी फुलवाड़ी तो फुल रंग बिरंगे हों खुशबूदार हों तो व्यक्ति अंदाजा लगा लेता है इस बाग का माली कौन व्यक्ति की पहचान उसकी औलाद तो होगी जिन्हें खोबे इस माच रुको होंगे तो जीवन सफल हो जाता है। इस लिहाज न श्रीलाल जी सफल जीवन तो परिवारिक नाते होंगे माता पिता का संबंध पति पत्नी का संबंध बेटे बेटिया का संबंध यह अटूट होंगे क्योंकि माता पिता लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे बच्चे नहीं होंगे जिन्हें वो उम्र होती और बच्चे लिए माता पिता कभी बूढ़े नहीं होंगे। सो जिस उम्र की जान कोई भी बिछड़े दुख ये दुख ऐसा हो रखा है लेकिन ईश्वर का माना है मनना कस्तूरी लाल जी का संत स्वभाव से वैसे ही अंत पाए। सो मैं ज्यादा ना कहता मैं अपने वालों भारतीय जनता पार्टी को श्रद्धा सुमन भेंट कर पर पिता परमात्मा के अरदास करता है इस पुण्य आत्मा में अपने चरणों से निवास कर चुका और पाना मन का बल बख्शना कि सिक्का परिवार क्योंकि मेरे पारिवारिक संबंध है बेटी बिना इस परिवार की करो तो पूरे रिश्ते ने दोहरे रिश्ते सो मैं ईश्वर को अरदास करना कि उन्होंने चरणों से निवास बख्शना और परिवार को पाना मन का बल बख्शना जी फुलवाड़ी औलाद रूप से लगा गई वो सदा हरी भरी गुजरो जो बात से तो दुआ मांगते चलो जिस पे खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे खुशी वंडिया बढ़ती है दुख वंडिया घटता है तुम अच्छे सारे अरोड़ा परिवार के नाम दुख मनाना है थोड़ा सारे का बहुत बहुत बच्चों ने कहा है कि पंडित जी को राम नाम का स्मरण करते थे और सारा परिवार करता ही है क्योंकि राम ही एक ऐसा शब्द है राज शब्द कहकर विश्व को भी भगवान शंकर ने मुख में डाल दिया था मां शब्द कहकर के जब उनका भी नाम एक नीलकंठ भोलेनाथ भंडारी हो गया था। दो मिनट के लिए राम नाम का स्मरण करें शांति पाठ करके आज की ज्ञान सभा को विसर्जन करें। श्री राम बोलो तो पहले भी यह भी किसी भी शोक सभा में जाओ ना जिस पुराने की श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि भी योग्य हम जवान भी घुमा है फुल भी आके जनाने शुरू कर देंगे कोई श्रद्धांजलि थोड़ा है वो जन की अरदास गुरु महाराज का शब्द है। यह है श्रद्धांजलि ज्ञान सभा जिस प्राणी ने श्रद्धांजलि देनी है उन्होंने तो याद करने भी है नाल अपनी बुजुर्ग भी याद अपनी पितरियां वर वडेरिया भी याद करो जिन्हों ने खिड़े हुए बाग परिवार अगे टाइम नहीं मिलता दुख च बह जाना उन्होंने याद आ जाती। तीसरा महामारी आर्ड वर्ल्ड जी हिलरी हुई है उनके वास्ते भी अरदास करो सब परिवार सब देश बच्चे सारे दे राजी खुशी रहन और राम नाम का सिमरन करके श्रद्धांजलि श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम बुलावा भेजिया दिया कमी ना रोए जो सुख सत संग भी सोबे कुंठे ना होए राम गे रामन गे राम का वो परिवार कौ नानक फिर कछ नहीं बनियो ये संसार राम गे रामन गे राम ने किथे जाना
रावण ने किथे जाना है, रावण दे अंदरों जिस स्वागत राम दा नाम चला गया से, रावण अपने आप ही मर गया से, साडे अंदरों प्रभु दा परमात्मा दा गुरु दा अकाल पुरख दा जिस वक्त नाम ही चला गया ते शरीर जेड़ा है मिट्टी बन जाएगा। ओम शांति अंतरिक्षे ॐ शांति पृथ्वी शांति रावा शांति रोक्षद्याः शांति वनस्पत्र्याः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांति रे वै शांति सामा शांति रे विश्व शांति भावितो हरि ओम शांति 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 ओ भगवान की। गुरु सतगुरु महाराज।